सो यो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे के सारे बढ़िया होंगे एंड तुम्हारा भाई भी बढ़िया है। और आज आप लोगों का वापस से स्वागत है अपना माइनक्राफ्ट का सीरीज में। और आज हम लोग खेलने वाले हैं सर्वाइवल का पार्ट 11। देखते ही देखते गाइस 10-10 सीरीज खत्म हो चुका है, अभी पार्ट 11 सीरीज भी चालू हो चुका है। जिसने भी अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो फटाफट से कर देना गाइस। और आज हम लोग जो फार्म बनाने वाले है वो है बैम्बू वाला फार्म। किसी को चाहिए तो जरूर बताना क्योंकि ये सब फ्री में मिलता है। तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। जोक सा पार्ट गाइस, चलो गाइस फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। उसके पहले गाइस, जिन जिन भाइयों का कमेंट आया था अपना लास्ट सीरीज में सर्वाइवल का पार्ट 10 में, सबका कमेंट पढ़ा जाएगा। टेंशन बिल्कुल भी मत लो, फटाफट से देखो गाइस क्या होता है आगे। अरे आलू भाई, तुमने पिछले सीरीज में फूड फार्म बनाए थे याद है? अरे हाँ याद है। बोलो क्या करना है उसमें। मेरे को थोड़ा सा फूड खाना है उधर से, मुझे पता नहीं अभी कभी खिलाओ। अभी देखो गाइस, लालू जी को खाना है फूड, तो लालू जी मेरे पीछे पीछे फटाफट आ जाओ। ये देखो अपना फूड फार्म जो कि हम लोग पिछले सीरीज में बनाए थे। तो चलो गाइस, देरी किस बात की, फटाफट देखते कितना फूड मिलता है। और भाई कितना सारा गाजर भाई साहब। तो चलो गाइस थोड़ा सा फूड खा लेते, देखते कितना फूड मिलता। ओ भाई बहुत सारा फूड है, चलो गाइस थोड़ा सा खा लेते, मेरा भी हेल्थ बहुत ही कम है। सो गाइस अपना फाइनली हेल जो है बढ़ चुका है, आप लोग देख ही सकते हो। तो चलो गाइस फटाफट जितना भी सामान है अपना फार्म बनाने के लिए सब कुछ ले लेते फटाक से। सो गाइस जितना भी सामान चाहिए था सब कुछ ले चुके। अभी गाइस हम लोगों को थोड़ा सा क्राफ्टिंग टेबल का मदद से बनाना है गाइस होपर वाला माइनकार्ट। तो पहले तो मैं माइनकार्ट बना लेता हूँ और उसके बाद होपर वाला माइनकार्ट बना लेता हूँ गाइस। तो फाइनली बन चुका है अपना। अभी बनाना है गाइस पिस्टन जो कि कुछ इस तरीके से। और अभी बनाएंगे गाइस ब्लॉक ऑफ रेडस्टोन। और फाइनली गाइस अपना सारे काम खत्म हो चुका है, अभी सीधा जाएंगे अपना फार्म बनाने के लिए। तो चलो गाइस फटाफट इधर ही लगाएंगे, ठीक है। ये जो टॉर्च है इसको हटा देते हैं, ये कोई जरूरत चीजें नहीं है। और इधर गाइस बनाने वाले हैं अपना फार्म। और अभी इधर सीधा 9 ब्लॉक खोदेंगे गाइस। तो चलो गाइस फटाफट खोद लेते। और 9 ब्लॉक खोदने के बाद एकदम बीच से 2 गड्ढा खोदेंगे जिधर हम लोग 2 होपर और 1 चेस्ट रखेंगे गाइस। कुछ इस तरीके से लगाया, 1, ये 2 और ये एक्स्ट्रा लग गया, इसको थोड़ा सा काटना पड़ेगा, मतलब तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में रखेंगे 1 चेस्ट। और गाइस अपना 10% काम खत्म हो चुका है, बाकी काम चालू करते हैं, लेट्स गो। और गाइस इधर मेरे को एक डर्ट से कवर कर देना पड़ेगा, एक साइड में जगह खोद के मुझे सैंडस्टोन का ब्लॉक लगाना पड़ेगा और ये बराबर दोनों साइड में ही करना पड़ेगा। और इधर मेरे को लगाना है एक पावर रेल और यही सेम ऑपोजिट साइड में भी। और अभी सीधा गाइस रेल लगा देंगे पूरा एकदम लास्ट लाइन तक। और गाइस अभी डर्ट से ऊपर से पूरा कवर कर देंगे कुछ इस तरीके से। और होपर वाला माइनकार्ट को इधर छोड़ देंगे, बहुत सही लग रहा है गाइस। अभी इसको कर देंगे पूरा कवर गाइस। और अभी गाइस टाइम आ चुका है ओक प्लैंक लगाने का कुछ इस तरीके से। सो ग्राउंड वाला ओक प्लैंक का काम खत्म हो चुका है, अभी बारी है ऊपर से ओक प्लैंक लगाना। तो चलो गाइस फटाफट ओक प्लैंक लगा लेते हैं। और राइट साइड में कुछ इस तरीके से और लेफ्ट साइड में भी कुछ इस तरीके से गाइस। और अभी दोनों साइड फेस रेडी करना है कुछ इस तरीके से, दोनों साइड में बराबर। और अभी लगाएंगे पिस्टन कुछ इस तरीके से गाइस, पूरा लाइन बाय लाइन, साइड बाय साइड, एकदम लास्ट तक। उसके बाद गाइस कुछ ऐसा लग रहा है जो कि बहुत ही मस्त है। और इसके ऊपर से अभी ओक प्लैंक लगाना है कुछ इस तरीके से, एकदम लंबा लाइन तक, पूरा ऊपर तक खींचना है गाइस। तो कैसे खींचेंगे देखते रहो। ओ, ओ, ओ भाई जितना भी ओक प्लैंक्स था सारे के सारे ओक प्लैंक्स खत्म हो चुके हैं, मेरे पास लास्ट 10 ओक प्लैंक्स बचा है। तो देख लेते इसको यूज करते, उसके बाद वापस से लाना पड़ेगा मेरे को ओक प्लैंक्स। सो गाइस फाइनली मैंने ओक प्लैंक्स लेके आ चुका हूँ, टोटल 1 स्टैक लाया हूँ, इस बार कमी नहीं पड़ने वाला है। और अभी गाइस मैं साइड से डर्ट लगाने वाला हूँ और वो क्यों लगाने वाला हूँ आगे जाके सबको पता चल जाएगा। क्योंकि गाइस देखो मेरे को ऑब्जर्वर लगाना है और ऑब्जर्वर कुछ ऐसी जगह से लगाना है ताकि ये सही पोजीशन से सेट हो पाए। और ऑब्जर्वर कुछ ऐसे लगाना है।
और सारे ऑब्जर्वर लगाने के बाद जितने भी डर्ट है सब कुछ हटा देंगे, नहीं तो बहुत गंदा लग रहा है। और अभी गाइस क्या करने का है, जितने भी ऑब्जर्वर है सबके पीछे ओक प्लैंक से कवर कर देना है, और नीचे से भी सेम जितने भी पिस्टन है पिस्टन को भी कवर कर देना है ओक प्लैंक की मदद से। और चलो गाइस अभी सामने से देखते क्या ही लग रहा है, बहुत ही मस्त लग रहा है। अभी गाइस पीछे से क्या करेंगे, ऊपर तक कनेक्टर मुझे लेके जाना है, इसके लिए मेरे को थोड़ा सा सीढ़ी टाइप का कुछ बनाना पड़ेगा। सो गाइस अभी इधर से लेके पूरा ऑब्जर्वर तक हम लोगों को कनेक्ट करना है सैंडस्टोन डस्ट के साथ, कुछ इस तरीके से गाइस एकदम लाइन बाय लाइन ऊपर तक। देखो ऑब्जर्वर तक ऑलरेडी आ चुका है गाइस, अभी लगाना है एक रिपीटर, और अभी इसका लेफ्ट साइड से दो दो ब्लॉक लेके पूरा ऊपर तक जाना है ओक प्लैंक्स का, और राइट साइड में भी सेम। सो लेफ्ट साइड का हो चुका है, अभी राइट साइड का शुरू करेंगे, तो चलो गाइस फटाफट कर लेते हैं। और फाइनली गाइस दोनों साइड का बराबर हो चुका है, बस थोड़ा सा भूख लग चुका है गाइस। और अभी आ चुका है ग्लास का बारी, अभी सामने से पूरा ग्लास से ढक देना है। तो टेंशन किस बात की, मेरे पास बहुत सारा ग्लास है, ठीक है पूरा एकदम ऊंचाई तक एकदम ग्लास से भराना है, तो चलो लगा लेते हैं। सो फाइनली गाइस एकदम टॉप तक आ चुके हैं हम लोग ग्लास लगा लगा के, एंड अभी दोनों तरफ से ऐसे तीन लाइन भी भरा देना है, तक ग्लास से कवर कर देना है, ठीक है। सो गाइस हम लोग पूरा बैम्बू फार्म बना चुके हैं लगभग, अभी मेरे को बस अंदर बैम्बू डालना है, उसके बाद मैजिक होने वाला है। और ऐसा कुछ बन के तैयार हो चुका है जो कि आप लोग देख ही सकते हो, और इधर से मैं तोड़ के अंदर की तरफ जाऊंगा बैम्बू लगाने, और इधर से गाइस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 9 बम्बू हम लोग लगा चुके हैं, और देखो एक उगल भी चुका है, यार इतने जल्दी क्यों है। तो चलो गाइस बाहर से लॉक कर देते हैं। सो फाइनली अपना काम जो है खत्म हो चुका है, ये रहा अपना टोटल बम्बू फार्म। तो आज का फॉर्म ये ही था, और आज अभी पढ़ने वाले हैं कमेंट तुम लोगों का, तो चलो गाइस फटाफट पढ़ लेते हैं। सो गाइस मैंने वादा किया था कि जिसका पहला कमेंट आएगा उसको शाउट आउट मिलेगा, तो इधर फर्स्ट कमेंट आया था आरपीजी ओपी से, हेलो बीजीएमआई कहाँ है भाई। देखो बीजीएमआई मैं खेलूंगा लेकिन टाइम मिलने पे, ठीक है जब भी मेरे को स्ट्रीम करने का मन होगा मैं जरूर बीजीएमआई लेके आऊंगा, ठीक है। और RPGOP को बिग बिग शाउट आउट। नेक्स्ट कमेंट आया है गाइस सिद्धार्थ भाई की तरफ से, हाई ओपी वीडियो माइनक्राफ्ट एसएमपी व्हेन इज इट कमिंग। भाई देखो अभी मेरे पास कोई भी माइनक्राफ्ट एसएमपी नहीं है, तुम्हारा भाई खुद का पैसा से जब खरीदेगा तभी जाकर तुम लोगों को मिलने वाला है एसएमपी, ठीक है। उसके बाद आया है गाइस RDN Noob YT, हेलो कैसे हो, लाइव कब आओगे भाई, जरूर आऊंगा, ठीक है टाइम मिलने पे जरूर आऊंगा। उसके बाद आया है गाइस लक्ष्मण घोष का कमेंट जो कि है, अभी मजा आएगा ना बिडू, अरे जरूर आएगा बिडू, लव यू गाइस दिल से चुमा सबको गाइस। एंड इधर आया है इट्स बॉस गेमर्स जिसने कहा है कि मेरे को शाउट आउट देना, इट्स बॉस गेमर्स भाई बिग शाउट आउट टू यू ब्रदर। और इधर और एक कमेंट आया है मिथिक रिटर्न लाइव की तरफ से, ब्रो बीजीएमआई खेले क्या, अरे खेलूंगा जरूर खेलूंगा, जब भी मेरे को मन होगा टाइम मिलेगा स्ट्रीम करने का मैं ज़रूर BGMI लेके ही आऊँगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। उसके बाद आया है गाइस फ्रॉस्ट ब्लस्ट गेमिंग का कमेंट जिसने ये कहा है, हाँ भाई मेरे को भूल गया, अरे नहीं भूला यार तुम गलत समझ रहे हो। ग्लैमबर्स का कमेंट जिसने कहा है कि हाई फ्रॉम हनी गैंगस्टर, अरे हनी गैंगस्टर भाई कैसे हो ब्रो, बहुत दिन बाद आए हो, तुम्हारा कमेंट बहुत दिन बाद देख रहे हो, लव मेरे भाई दोस्त चुमा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं सर्वाइवल का पार्ट 12 में, तब तक के लिए बने रहना, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम दोस्त चुमा।